तो तेजस्वी जी सिर्फ एक जुमलेबाजी करते हैं, आज तक ना इनके पिताजी ने कोई काम किया, ना आज तक इनकी माता मुख्यमंत्री रही, ना आज तक वो कोई काम किए। अभी इनके यहाँ एक बिस्कोमान का कोई वो चेयरमैन को अध्यक्ष जो है उसको इन लोग बनाए हैं MLC, क्या नाम है, सुनील सिंह। ठीक है, अब सुनील सिंह इनका बन गया फाइनेंसर। अब सुनील सिंह सबको सुनील सिंह ला रहा है, फलना टेकारी 2 करोड़, सरघाटी 3 करोड़, सहरसा 5 करोड़। हाँ से तेजस्वी जी, तेजस्वी जी जो टिकट जो बांट रहे हैं उसमें जितना लोगों से जमीन ले रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, क्या उससे लोगों को पेमेंट देंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है और जो योद्धा जिनको चुनाव लड़ना है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। NDA की तरफ से CM नीतीश कुमार 7 निश्चय Part 2 का ऐलान कर चुके हैं, तो तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी दिया जाएगा। हस्ताक्षर जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके जरिए बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए BJP के नेता हैं जो कि धाकड़ पकड़ रखते हैं गया में, और हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, इससे कितना चैलेंज मानती है NDA, क्योंकि बेरोजगारी का एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि जो बिहार जो है वो 60% बेरोजगार यहाँ पर हैं। सर आप ये बताइए कि क्या माहौल है जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर दिया, क्योंकि बिहार की जो बेरोजगारी दर वो बता रहे हैं 46.6%, एक चैलेंज मानते हैं इसको? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके न्यूज़ फॉर नेशन के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके संपादक जी को धन्यवाद। देखिए मामला क्या है कि हमारे जो NDA गठबंधन की जो सरकार है केंद्र और राज्य में, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने तो पहले ही लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया, शुरुआत कर दिया 2014 से ही। माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया लाया, डिजिटल इंडिया लाया, लोगों को एक बड़ा मौका मिला कि जो धोबी है, जो मिस्त्र है, जो झाड़ू लगाने वाला है, जो ईटा लगाने वाला है, जो कपड़ा सिलने वाला दर्जी है, जो मोबाइल बनाने वाला है, जो टीवी वाला, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से, उनको स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग दे करके, उनके पीछे पैसा खर्च करके उनको स्वावलंबी बनाने का कार्य किया। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, तो तेजस्वी जी सिर्फ एक जुमलेबाजी करते हैं, आज तक ना इनके पिताजी ने कोई काम किया, ना आज तक इनकी माता मुख्यमंत्री रहीं, ना आज तक वो कोई काम किए। तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, आज तक इनका भी कोई बिहार के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं रहा। तेजस्वी जी को समय मिला ना 18 महीना की सरकार में तेजस्वी जी को समय मिला। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी जी बड़ा काम करते ना सर। तो तेजस्वी जी का ये पूरा जुमला है, और जहाँ तक 10 लाख युवाओं को जुमला क्या है, जब वो कह रहे हैं बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहला जो हस्ताक्षर होगा जिसके जरिए ही रास्ता निकलेगा 10 लाख लोगों, इसे आप जुमला कह रहे हैं सर? रोजगार कहाँ से देंगे? वो कह रहे हैं कि 10 लाख लोग बिहार सर के पद खाली हैं। सर उसका पेमेंट भुगतान कहां से करेंगे? हाँ ये एक बात है सर, इनका दोस्ताना सरकार है हेमंत सोरेन जी के साथ। हेमंत सोरेन जी से ये धनबाद मांग ले, हजारीबाग मांग ले, बेरमो मांग ले, पुसरो मांग ले, पूरा कोयलांचल ले लें, कोडरमा ले लें, आबरक का कटोरा, तब ना रोजगार सर मिलेगा। सर आपके पास पैसा ही नहीं है, आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपया, क्या बात अब करते हैं? नहीं नहीं सरकार सर, हमारी तो, योजना है नहीं, सरकार आएगी तो आमदनी के संसाधन बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव कहां से तेजस्वी जी, हाँ। तेजस्वी जी जो टिकट जो बांट रहे हैं, हाँ। उसमें जितना लोगों से जमीन ले रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, क्या उससे लोगों को पेमेंट देंगे? मतलब अपना ये टिकट दे रहे हैं उसे जमीन ले रहे हैं, मतलब अपना ही फुलवारी वाला जमीन ही बेचेंगे कि जहाँ जहाँ अलग अलग जिला में इनके नाम पर जो रजिस्ट्री जो रहा है जमीन, वो वाला लेंगे, वो वाला बेचेंगे, उससे भी कितना दिन चलेगा? एक महीना 2 महीना 6 महीना का पेमेंट, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो ये लालू यादव के परिवार का संस्कार रहा है, और लालू यादव के परिवार का संस्कार ये रहा है कि लोगों से जमीन लो, पैसा लो, संसाधन लो, और
उसको उसके बाद टिकट दो और उसके बाद भी उसको टहलाओ। अभी इनके यहाँ एक तो बिस्कोमान का कोई वो चेयरमैन को अध्यक्ष जो है उसको इन लोग बनाए हैं MLC, क्या नाम है, सुनील सिंह। ठीक है, अब सुनील सिंह इनका बन गया फाइनेंसर। अब सुनील सिंह सबको सुनील सिंह ला रहा है कि फलना टेकारी 2 करोड़, सरघाटी 3 करोड़, सहरसा 5 करोड़, मधेपुरा फलना करोड़, यहाँ 2 बीघा जमीन तेजस्वी बाबू आपको लिखवा दे रहे हैं। तो ये मामला है साहब। चलिए, ये BJP के नेता हैं और जहाँ तक कि आप तेजस्वी यादव की बात आप करते हैं, तो जिस शरद यादव जी ने, माननीय हमारे नेता शरद यादव जी हमारे सम्माननीय हैं, हम उनके साथ में काम हमने किया है, और माननीय नेता शरद यादव जी जो केंद्रीय मंत्री का जो कुर्सी ठुकरा करके महागठबंधन के बचाने की लड़ाई जो लड़ा, हम लोग भी लड़ाई लड़े, हम लोग साथ में लड़े, और उस शरद यादव जी को हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और माननीय हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, और माननीय नीतीश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि शरद यादव जी के परिवार के साथ आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एकदम बिल्कुल एकदम खड़े हैं स्तंभ की तरह। शरद जी को कहीं दिक्कत हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं हो, ये लालू यादव और तेजस्वी यादव को फुर्सत ही नहीं है। लालू यादव को जमीन माफिया से बात करने के लिए फुर्सत है फोन से। उन्हीं का कमले गया का कमलेश शर्मा, वो बोला कि हमको से तो लालू जी रोज बतियाते हैं, और लालू जी रोज आपसे बतियाते हैं, लेकिन शरद जी के परिवार से एक दिन भी बात करने का मौका नहीं है। समझिएगा बात को, तेजस्वी को इसको मौके नहीं है, क्योंकि ये अभी बन गया था, पूरा परिवार बन गया तहसीलदार। समझिएगा, सुनील सिंह इस तहसीलदार का मुनीम है, श्याम रजक जी का पूरा हिसाब हो रहा है, जानकारी ले लीजिए कि कहाँ ट्रांसफार्मर कंपनी है, ट्रांसफार्मर कंपनी का हिसाब ले रहे थे तेजस्वी जी की, आप कितना कितना पैसा लेकर के भागे थे मेरे यहाँ से, तो ये सब हिसाब किताब चल रहा है, तो श्याम रजक जी को आप वो पता ही चल रहा होगा। इसलिए इनके यहाँ मामला यही है कि भाई तुम लूट के लाओ, कूट के खाओ, हम तुमको टिकट देंगे और तुम जाओ। लालू यादव ने तो यादवों को यही सिखाया, बंदूक लेकर के चलो, मर्डर कर दो, किसी की हत्या कर दो, जमीन कब्जा कर लो, और उसी तरह के लोगों को लालू यादव जी टिकट देते हैं। मेरा NDA में है कि कोई भी व्यक्ति आता है हमारे शीर्ष नेता से बात कर सकता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है, हमारे यहाँ कोई आरोप किसी का नहीं है। इसलिए हम बिहार के जनता से यही बस कहेंगे कि आपका फैसला है, आपका मत है, और मत का सही प्रयोग करें और फिर से NDA की सरकार बनाएं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ बिहार को ले चले। ये गया में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, BJP की तरफ से काम करते हैं, संगठन का काम भी देख रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि गया विधानसभा क्षेत्र में इनकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को सीधा हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का एक ही नारा है, लूट के लाओ और कूट के खाओ। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।